श्री कृष्ण ने कहा कि कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रहे। एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी, उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गया तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार फिर भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा है। यह देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। महिला ने कहा कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। यह कहकर महिला चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में हो, क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखना चाहिए। आपके जीवन में जो भी कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है, लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की ज़रूरत होगी और उसे दिल से आप याद करोगे तो वो आपको